गुड इवनिंग एवरी वन जनरल बात करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड नीट 2023 के छत्तीसगढ़ स्टेट के ऑफ कोर्स आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कट ऑफ से रिलेटेड एज वेल एज मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए थोड़ा थका हुआ हूँ दिन हैक्टिक रहा है वो आपको फेस से नज़र आ जाएगा नो no इशू तो मैंने बताया कि क्यों कट ऑफ़ बढ़ सकता है पिछले वीडियो में हमने इस पर कुछ डिस्कशन किया हुआ था कि इस साल नीट 2022 के कंपेयर में 23 में कट ऑफ़ क्यों बढ़ रहा है क्या उसके रीज़न हैं आप चीज़ों को समझ लीजिए बार बार आप सवाल करते हैं ठीक है तो हो सकता है कि इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए प्लस क्या आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए देखिए अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है हालांकि न्यूज़पेपर और मीडिया वाले अपने अपने तरीके से नए नए अफवाह फैला रहे हैं अफवाह या यूँ कह सकते हैं कि जो कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको भी बिल्कुल कन्फर्म की तरह ही बता रहे हैं जो कुछ भी होगा अच्छा होगा और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से काउंसलिंग आयोजित की जाएगी चाहे ऑल इंडिया और स्टेट का एक साथ हो या फिर ऑल इंडिया की काउंसलिंग सेपरेट हो और स्टेट की काउंसलिंग सेपरेट हो तरीका चाहे जो भी हो पार्टिसिपेट तो करना ही है नाउ द क्वेश्चन इज़ कि बहुत सारे काउंसलर्स जो हैं काउंसलर या लाइक यूँ कह सकते हैं जो यूट्यूब में वीडियोज़ बनाते हैं रिलेटेड टू काउंसलिंग इंक्लूडिंग मी जो हम अपना कट ऑफ प्रिडिक्शन आपको बता रहे हैं वेरी कर सकता है किसी के कट ऑफ आपके जो मनचाह कट ऑफ है उससे कम हो सकता है किसी के ज़्यादा हो सकता है इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको ये सवाल आपके लिए कि क्या आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या ना करें देखिए चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी दिया है नीट 2024 का बावजूद उसके आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए चाहे आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं कट ऑफ जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ है उससे या फिर ज़्यादा आ रहे हैं काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए इज पर माई सजेशन बिकॉज नो वन इज हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट और श्योर मैं खुद भी अपने बारे में ये कह रहा हूँ कि हंड्रेड परसेंट श्योर या एक्यूरेट नहीं हो सकता ये जस्ट एक प्रेडिक्शन होता है क्योंकि आप ये सब वीडियोस देखते हैं तो हमको बनाने पड़ते हैं बाकी आप खुद समझदार हैं आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए चाहे आपके मार्क्स 500 हैं 510 सौ हैं पाँच सौ बीस हैं वाट एवर आप बिल्कुल सही तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और सही तरीके से एग्जिट करिए ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है या जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो प्रॉपर तरीके से आपको रिफंड भी हो जाए काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है तो उसका हम लोग डेफिनेटली आपको वीडियो बनाएंगे ना अगले स्लाइड में आ जाते हैं कुछ आपके सामने मैं डेटा शेयर करना चाहता हूँ नीट 2022 में जो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुछ कैटेगरीज का मैंने कट ऑफ मैंशन किया हुआ है पाँच नंबर कट ऑफ गया था और उसका ऑल इंडिया रैंक सेवेंटी के अप्रॉक्स था एक दो चार रैंक आगे पीछे हो सकता है ऐसे ही ओबीसी का अगर आप देखोगे तो मात्र 508 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मिला हुआ था स्टेट कोटा के थ्रू आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कई बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए भी इनको देखते हैं तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट कोटा के लिए बता रहा हूँ और 77,800 के आसपास रेंक था ऐसे ही अगर आप ई का करो तो और ये डेटा आपको सी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट मैंने लिया है एक था लास्ट ईयर का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था अनरिजर्व के लिए 117 था और कट कैटेगरी लाइक ओबीसी एसटी एससी इनके लिए जो था ये 93 था अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं 2023 के है ना मार्क्स से तो 530 जो मार्क्स हैं 530 मैं तेरह नहीं ले रहा हूँ 80,000 स्टूडेंट हैं ठीक है अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें छत्तीसगढ़ के कितने स्टूडेंट हैं डेफिनेटली लास्ट ईयर के कंपेयर में छत्तीसगढ़ में भी नीट देने वालों की संख्या बढ़ी है साथ ही साथ में जो क्वालीफाई किए हैं नीट छत्तीसगढ़ में मोर देन 3,500 स्टूडेंट लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल क्वालिफाई किए हैं बावजूद इसके कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी बढ़ा हुआ है पेपर का लेवल जो लास्ट ईयर का था और दिस ईयर का था ऑलमोस्ट सेम था उसके बाद भी क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ा हुआ है कुछ लोग केमिस्ट्री को टब भी कह रहे थे बावजूद उसके क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ा है अनरिजर्व में भी 137 हुआ है मतलब आपको यहाँ पे 20 नंबर का इजाफा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको मार्क्स इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं लगभग 14 नंबर का क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें नौ 530 जो नंबर है मार्क्स है इस पर एट्टी स्टूडेंट हैं तो मैं ये मान लेता हूँ कि लास्ट ईयर जो रैंक गया हुआ था एक सीट पे एक बच्चे का एडमिशन होना है है ना तो अब उसमें आप ये चीज़ देखिएगा कि लास्ट ईयर ये रैंक गया था और दिस ईयर मैं मान लेता हूँ कि चलो पीछे भी चला जाता है सिक्स थाउजेंड रैंक और ये मैं लास्ट राउंड की बात कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड का नहीं है फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ज़्यादा गया था कुछ कॉलेज ऐड हुए थे कुछ सीटें ऐड हुई थी इसलिए कट ऑफ लास्ट राउंड में ही आ गया था तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें देखें तो 80,000 स्टूडेंट आ रहे हैं अगर मैं 510 नंबर ले लेता हूं तो आप देखिए एक लाख स्टूडेंट आ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है छत्तीसगढ़ के बच्चे भी इसमें होंगे ही होंगे और वो भी इंक्रीज हुए ही होंगे 450 नंबर पिछले साल का रैंक देखिए कितना था एक लाख सत्ताईस हजार पांच सौ था फोर फोर्टी नाइन पे और 450 पे इस बार एक लाख पैंसठ हजार का रैंक बनते हुए दिख रहा है आपको ठीक है आगे अगर आप देखो इसको <coughs> एक चीज़ और मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए ले रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ले रहे हैं तो आप जब मार्क्स का रेंज देखेंगे जैसे 650 प्लस मैं लेता हूँ यहाँ पे ले रहा हूँ 650 प्लस तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आपको कम रहते हैं नो डाउट है ना पाँच छः सात मार्क्स का भी गैप रहता है इसमें पाँच छः नंबरों पे एक स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे मार्क्स ड्रॉप होते जाते हैं तो पर मार्क्स ना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंक्रीज़ होता है ये आप अच्छे से जानते हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे 620 तक में मैक्सिमम आपको 100 के आसपास यहाँ पे बच्चे मिलते हैं उसमें भी 630 प्लस वालों को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है संभावना रहती है अगर वो कॉलेज लेते हैं ऑल इंडिया के थ्रू तभी अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों का लफड़ा है अलग अलग स्टेट के बॉन्ड अलग अलग हैं तो बच्चे कई बार क्या होते हैं अच्छे मार्क्स होने के बाद भी स्टेट कोटा के थ्रू ही वो सीट उठा लेते हैं उनको लगता है कि स्टेट कोटा के थ्रू हमको जे मिल रहा है और ऐसा ही सिमिलर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलेगा तो बेटर वो प्रेफर करते हैं कि पंडित जे मेडिकल कॉलेज वो यहाँ पिक कर देते हैं तो स्टेट का एक लॉस ही समझ लीजिए आप उसको हाँ अगर यही काम वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जे उठाते इस मार्क्स पर स्टेट को एक बेनिफिट हो जाता है एक सीट का बेनिफिट हो जाता है बट बच्चों की अपनी चॉइस है उनके नंबर हैं फिर जैसे ही आप नीचे ड्रॉप करते हैं मतलब 620 से 600 के बीच आते हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इसमें जस्ट डबल हो जाते हैं देखिए मार्क्स का गैप यहाँ पे मैंने कम लिया यहाँ पे ज़्यादा लिया है फिर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पे डबल दिखेंगे मतलब अब एक नंबर में आपको दो या तीन स्टूडेंट दिखने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे मार्क्स कमाने लगता है फाइव एट्टी तो क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट आपको दिखने लगते हैं पर मार्क्स आपको फोर टू फाइव स्टूडेंट दिखने लगते हैं लास्ट ईयर का काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट uh, लिस्ट है या जो मेरिट लिस्ट है छत्तीसगढ़ का आप उसको भी देख सकते हैं सी जी डी एम ई की वेबसाइट पे जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे जो कट ऑफ गया हुआ है यहाँ पे पर मार्क्स ना दस स्टूडेंट प्लस भी मिले हैं दस स्टूडेंट चौदह स्टूडेंट पर मार्क्स रहे हैं तो इससे फर्क क्या पड़ता है वो मैं आपको समझाता हूँ तो अब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे पर मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो बाई दे वे मान लीजिए कोई नया कॉलेज ऐड होता है जैसे कि इस साल छत्तीसगढ़ में कोई नया कॉलेज क्या ऐड हुआ है पुराने सारे कॉलेज हैं ही नया कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं खोला है ना ही कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे ओपन हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ 200 सीट्स बढ़ी है जो तो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे 50 जे में बढ़ गया है 50 सिम्स में बढ़ गया है अंबिकापुर में बढ़ा हुआ है 50 सीट और रायगढ़ में बढ़ा हुआ है फिफ्टी सीट इस तरीके से टू सीट बढ़ी है अब इसमें भी आपको फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा में चला जाना है तीन सेंट्रल नॉमिनी में चला जाना है जो रिमेनिंग सीटें होती हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू मिलते हैं और रिजर्वेशन जो यहाँ पे पॉलिसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 200 सीट बढ़ने के बाद भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी सीटें बढ़ रही है मात्र पचपन जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ था तो पचपन सीटें बढ़ रही हैं कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अब ये पचपन बच्चों के लिए कितना नंबर कट ऑफ ड्रॉप होगा आप खुद सोच के देखिए जबकि क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट यहाँ रहते हैं एक नंबर पे दस स्टूडेंट में एवरेज लेता हूँ अरे दस हटा देते हैं ठीक है हम लोग एवरेज ले, ले लेते हैं कि लाइक आठ भी रहेगा तो पचपन सीटों के लिए कितना कट ऑफ ड्रॉप होगा आप खुद गेस कर सकते हैं लास्ट ईयर पाँच सौ तेरह गया था इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दिस ईयर भी पाँच सौ तेरह ही जाएगा तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए मैंने बोल दिया कि कटअप पाँच सौ तीस के आसपास रह गया लाइक वैसा ठीक है बिल्कुल गलत आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मान लो ड्रॉप हो गया ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं हमें भी नहीं पता कि यहाँ पे कितने बच्चे होंगे या नहीं होंगे हो सकते हैं आठ नौ हों सात हो पाँच हों छ हों हो, चारों हो या कम भी हो सकते हैं क्वालीफाई स्टूडेंट बड़े हैं जो क्वालिफाई किया है वो स्टूडेंट बड़े हैं पर क्या हायर मार्क्स वाले स्टूडेंट बढ़े हैं या जो मिड सेगमेंट ऑफ मार्क्स रहता है वहाँ पे स्टूडेंट बढ़े हैं बट ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कई सालों से काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं एज वेल एज क्लासेस हम ले रहे हैं तो हमने ऑब्जर्व किया है कि जो क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट रहता है ना इधर ही रहता है और इस रेंज में तो बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखने को मिलते हैं तो इतनी सीटें बढ़ने के बाद भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा हार्डली टेन मार्क्स का डिफरेंस आएगा टेन मार्क्स का डिफरेंस आएगा लेकिन वो टेन मार्क्स को कौन कंपनसेट कर दे रहा है ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हुए हैं वो वो कंपनसेट कर दे रहा है इसका मतलब जो है कट ऑफ आपका कम नहीं होने वाला ऐसा हमारा प्रडिक्शन है अभी तक का बावजूद उसके इसी वीडियो में मैं तीसरी बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बेटा आप लोग काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिए चलिए मान लीजिए आपको एम नहीं मिलता है नहीं मिलने के बाद भी आपको एक अनुभव हो जाएगा कि काउंसलिंग कैसे कराया जाता है आपको किसी अदर काउंसलर की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत आसान से प्रोसेस होते हैं इतने तो पढ़े लिखे एजुकेटेड आप लोग खुद हैं बेटा कि रूल्स रेगुलेशन को पढ़ के आप इजीली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्लस मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको काउंसलिंग में हेल्प कर ही रहे हैं अपने वीडियोस के थ्रू अपना कीमती वैल्यूएबल समय निकाल के स्पेशली अगर कोई टीचर जो सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूस क्लास ले रहा है उसके बाद भी आपके लिए वीडियो बना रहा है चेहरे से ही आपको देख रहा होगा कितनी थकान है वीडियोस बना रहे हैं आपके हेल्प के लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से हेल्प आप हेल्प लेके प्लस कुछ थोड़ा अपना खुद का फर्ड लगा के आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए कुछ अच्छा मिल जाता है तो आप उसको ज्वाइन करिए अगर नहीं मिलता है तो अनुभव तो मिलेगा ना आपको अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा काउंसलिंग का वो अगले साल आपको काम आ जाएगा या हो सकता है कि इन फ्यूचर आप भी मेरी तरह से लोगों को गाइड कर सकेंगे सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंफॉर्मेशन के साथ Thank you very much.